आम आदमी पार्टी के विधायक विनय कुमार मिश्रा हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। 2024 की लड़ाई ऐसा लग रहा है कि तेज होते जा रही है, और जिस तरह से कांग्रेस का बयान सामने आया है कि 700 सीटों पर उन्हें लड़ाई लड़नी है, दिल्ली में खासतौर से, किस तरह से कांग्रेस के इस बयान को आप देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको दरार पड़ गई? देखिए, दरार पड़ गई है क्या, ये तो बहुत जल्दबाजी हुई है ना, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बयान आ रहा है वो बड़ा हैरानी वाला है और बड़ा इरिस्पॉन्सिबल बयान है। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उसकी मीटिंग में जाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर इस तरह के बयान कांग्रेस आते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब अरविंद जी को देश हित में और दिल्ली हित में फैसला लेना चाहिए कि आगे आम आदमी पार्टी को क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो एक अनिश्चितता का जो बादल कांग्रेस द्वारा क्रिएट किया जा रहा है उस पर क्लैरिटी आएगी। आपने जो बात कही वो काफ़ी बड़ी है, आप ये कह रहे हैं कि आगामी जो बैठक होनी है मुंबई में, ये बैठक होनी है, इस बैठक में क्या आम आदमी पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी, अब ये सवाल है। देखिए, इसका फैसला तो हाईकमान द्वारा लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी या अरविंद जी का यही होगा, जो भी देश के हित में होगा वो फैसला अरविंद जी लेंगे। लेकिन अभी जो बयान कांग्रेस के सामने आ रहे हैं उससे आपको झलक क्या रहा है? क्योंकि आप एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी, एक फॉर्मूला तैयार होगा, लेकिन जब आप कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनते हैं, चाहे उसमें संदीप दीक्षित हों, चाहे अलका लांबा हों, या फिर दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनका बयान हो, ये सब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की तैयारी करके चल रहे हैं और गठबंधन से इनको कोई मतलब नहीं है। देखिए, दिल्ली के नेताओं को मुझे लगता है कि अरविंद जी पच नहीं रहे हैं, मुझे लगता है इनके राष्ट्रीय नेता अलग रास्ते पर चल रहे हैं, ये अलग रास्ते पर चल रहे हैं, और क्या रास्ता है ये तो क्लियरिफिकेशन अब इनके बड़े नेताओं को देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही हैरान करने वाला है, और गठबंधन एक धर्म होता है, आम आदमी पार्टी उस धर्म पे कहीं इधर उधर नहीं जा रही, पूरा धर्म आम आदमी पार्टी निभा रही है, लेकिन कांग्रेस को भी इस पे विचार करना चाहिए और बिल्कुल सकारात्मक पहल करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया गठबंधन का महत्व क्या है आम आदमी पार्टी के लिए, देश भर में भी और दिल्ली में भी? देखिए, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, और जो भी नेता संविधान को फॉलो करेगा हम उसको मानेंगे। आज भी देखिए, आतिशी जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि भाई अब ये संविधान बन गया है, ये जो GNCC एक्ट था संविधान में, तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम उनके साथ हैं जो संविधान को मानते हैं, हम उनके साथ नहीं है जो एक तरफा चलते हैं और संविधान की को ताक पे रख के, सुप्रीम कोर्ट को ताक पे रख के अपने मन की बात करते हैं। तो हम जो भी पार्टी संविधान को की रक्षा की बात करें, हम उसके साथ हैं। चलिए, सबसे अहम बात ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी आगामी बैठक में शामिल होगी, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं चेतावनी आम आदमी पार्टी के भीतर से आई है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस नेताओं का जो बयान सामने आया है उससे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।